हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खत्रीज किचन। आज हम बनाएंगे बॉम्बे का स्ट्रीट फूड वड़ा पाव। वड़ा पाव को हम घर पर भी बना सकते हैं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं वड़ा पाव बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। पाव चाहिए हमें इस तरह के सॉफ्ट एंड फ्रेश पाव लिए हैं हमने। 5 मीडियम साइज उबले हुए आलू चाहिए हमें। 1 बड़ा चम्मच ऑयल, 4/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 4/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, 4/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच जीरा। मिर्ची चाहिए हमें भजिया बनाने के लिए। बेसन के घोल के लिए हमें चाहिए बेसन। 150 ग्राम बेसन लिया है, 1 मीडियम साइज बाउल, 2 पिंच बेकिंग सोडा, 2 पिंच नमक या फिर स्वाद के अनुसार। चटनी चाहिए हमें लहसुन की चटनी और ग्रीन चटनी। इन दोनों चटनी की रेसिपी मैंने खत्रीज किचन में दे रखी है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे। मसाला बनाना है हमें इसका वड़े बनाने के लिए। अब एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। इसमें डालेंगे जीरा, अच्छे से भून लेंगे जीरे को। इसमें डालेंगे उबले और मैश किए हुए आलू। गैस की आंच हमें धीमी रखनी है। अब इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, अमचूर पाउडर और गरम मसाला। सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू का मसाला तैयार है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख लेंगे। तब तक हम बनाएंगे बेसन का घोल। बेसन में हम डालेंगे नमक और बेकिंग सोडा, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे, 1/4 कप जितना पानी डालेंगे हम इसमें। अच्छे से इसका बैटर बना लेंगे। गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप इसकी, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। अब एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे वड़े फ्राई करने के लिए। नींबू की साइज़ के हम आलू के मसाले के वड़े बना लेंगे इस तरह से। अब इन वड़ों को बेसन के घोल में डिप करेंगे अच्छे से और गरम तेल में इन वड़ों को डालेंगे। तेल की आंच हमें मीडियम रखनी है। सारे वड़े इसके अंदर इस तरह से बेसन के घोल में डिप करके डालते रहेंगे। वड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। वड़ों को हमने फ्राई कर लिया है, देखिए तैयार है वड़े। मिर्ची के भी इसी तरह हम वड़े बना लेंगे। मिर्ची के अंदर ज़्यादा बीज है तो आप इसे निकाल दीजिए, वरना बहुत तीखी लगेगी। अब पाव के एक और हम चाकू से हल्का सा कट लगाएंगे, पूरा नहीं काटना है हमें। एक फ्राई पैन पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर पाव को हम दोनों ओर से हल्का हल्का सेक लेंगे। पाव के एक ओर लगाएंगे लहसुन की चटनी और दूसरी ओर लगाएंगे हरी चटनी। एक वड़ा लेंगे
इसे हाथ से हल्के से प्रेस करेंगे, पाव के एक ओर इसे रखेंगे और बंद कर लेंगे। देखिए दोस्तों, वड़ा पाव तैयार है। इसी तरह हम ऑयल की जगह बटर में भी बना सकते हैं। बटर गरम करेंगे, पाव को दोनों ओर से सेक लेंगे। इसी तरह हम सारे वड़ा पाव तैयार कर लेंगे। दोस्तों, वड़ा पाव घर पर बनाना कितना आसान है आपने देखा इस रेसिपी में। मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा दोस्तों,